नमस्कार। अपने लास्ट वीडियो में हमने वात, पित्त और कफ दोष के बारे में चर्चा की थी। आज हम वात दोष के बारे में बात करेंगे। वात एक प्राथमिक दोष है और पित्त और कफ का कार्य भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। ये प्रधानतः जो वात दोष है ये वायु और काश से बना है और हमारे शरीर की विभिन्न गतियाँ इसी से संभव होती हैं, जैसे कि हमारा चलना फिरना, हमारा मल मूत्र का त्याग करना, हमारे भोजन का कार्य और हमारा रक्त संचार भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। वात दोष जो उत्पन्न होता है वो हमारा जो हम ठंडा भोजन करते हैं, अधिक लेते हैं ठंडा भोजन, हल्का भोजन जो हम अधिक लेते हैं, या हम जो सूखा भोजन जिसको हम कच्चा भोजन कहते हैं, कच्चा भोजन जब हम अधिक लेते हैं तो उससे ये बढ़ता है। तो इससे विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जब ऐसा भोजन हम करते हैं कि जिसमें संतुलन ना हो तो इससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वात दोष के कारण, उसमें सबसे भयंकर बीमारी, जो सबसे भयंकर रोग है, वो जैसे कि पैरालिसिस, लकवा, विभिन्न प्रकार की जोड़ों की दर्दें, विभिन्न प्रकार के श्वास रोग भी इससे उत्पन्न हो सकते हैं और हमारे रक्त संचार से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमारा जैसे उच्च रक्तचाप है या हमारा लो रक्तचाप, जिसको हम कहते हैं कि रक्तचाप का कम होना, ऐसी बीमारियां और विभिन्न प्रकार के जो स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और भी कई तरह के रोग इसमें आते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे। तो वात का संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आप अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन पे जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पित्त की बात करेंगे। इसी तरह हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।